तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों क्या अगर आप लोग को सिंगर बनना चाहते हैं, अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे तीन टॉपिक्स बताऊंगा जो कि दोस्तों अगर आप लोग उस टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, आप सिंगर लाइन में सक्सेसफुल ज़रूर बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों आवाज़ को लेकर, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे जब आपका आवाज़ ठीक रहेगा तभी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को आप कुछ बोलेंगे या कुछ गाएंगे तो जितने भी ऑडियंस आपका जो ऑडियंस होगा उसको आवाज़ फ्रेश सुनाई देगा या उसको आवाज़ अच्छी लगेगा तभी दोस्त आपका सॉन्ग सुन सकता है या आपका आप कुछ भी बोलेंगे तो तभी आप वो व्यक्ति जितने जो आपका ऑडियंस है वो तभी आपको पसंद भी करेंगे और तभी आपका आवाज़ को भी सुनना भी चाहेंगे। तो दोस्तों मैं इसी के लिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों का आवाज़ फ्रेश रखना चाहिए तभी दोस्त आपका जितने भी ऑडियंस है आपको पसंद करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स नंबर दो के बारे में। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे आप लोग अगर जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप लोगों को उस काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए और इंटरेस्ट रहना चाहिए ताकि वो काम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं आप लोगों में से कई ऐसे सारे व्यक्ति होंगे या भाई होंगे या सिंगर होंगे जो स्टूडियो जाते हैं सॉन्ग निकालने के लिए, लेकिन कुछ असंगय की वजह से, कुछ आलस की वजह से अच्छी तरह से गा नहीं सकता है, कुछ मेहनत की वजह से वो ठीक से स्टूडियो में गाता नहीं है तो उसका आवाज़ ठीक से नहीं निकलता है, ना ही उसका सॉन्ग अच्छी तरह रिजल्ट उसको देता है। यही प्रॉब्लम होता है कि दोस्तों आपको जो है किसी भी काम के ऊपर मेहनत करना चाहिए और इंटरेस्ट रहना चाहिए कि मैं वो काम कर सकता हूँ, तभी दोस्त आप एक सिंगर लाइन में सक्सेसफुल पा लेंगे। अब दोस्त मेन पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स नंबर थ्री, जो कि दोस्त आप लोग जानते होंगे बहुत ऐसे सारे भाइयों को मैंने देखा है, बहुत ऐसे सारे नए सिंगरों को मैंने देखा है जो एक दो गाना चार गाना पांच गाना निकाल कर छोड़ देते हैं। क्यों पता है दोस्तों? क्योंकि उसको लगता है यार मैं सिंगिंग लाइन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, या उनको लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्त हार मानना बहुत गलत बात है, हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। जब आप किसी भी काम को मेहनत करेंगे तो दोस्त फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ हार मत मानना चाहिए। और दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप स्टार बने या बड़े स्टार बने या बड़े सिंगर बने तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि दोस्त आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आपको रेगुलर सॉन्ग अपलोड करना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि एक दो गाना निकाल दिए छोड़ दिए, हिट नहीं हुआ छोड़ दिए, ये गलत बात हो जाता है। इससे आप कभी भी सुपर स्टार नहीं बन सकते, ना ही कोई सिंगर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंगर बनना तो दोस्तों आप लोगों को लगातार सॉन्ग रिलीज करवाना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका जितने भी ऑडियंस होगा जो आपको पसंद करेगा तभी आपको पसंद कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं बहुत ऐसे आप लोग जानते हैं वो पुराने सिंगर जितने भी थे सभी एक दो गाना निकाल कर छोड़ दिए, उससे कुछ नहीं हुआ। और जो व्यक्ति रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, रेगुलर सॉन्ग अपलोड करते हैं तो दोस्तों उसका ऑडियंस बना रहता है और जितने भी नए ऑडियंस होता है उसको भी जानने लगता है। तो दोस्तों इससे उसको स्टार बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस तीन टॉपिक्स को अगर अच्छी तरह से पालन किया, अच्छी तरह से फॉलो किए तो मैं गारंटी लेता हूँ आप एक सिंगर लाइन में ज़रूर सक्सेसफुल पालेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ यही हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है एंड कुछ सीख मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।